शकुन क्या हुआ? मिस्टर भल्ला तुमसे क्या कह रहे थे? आई मीन व्हाई इवन ही वाज शाउटिंग एट यू? तुम दोनों के बीच कोई टेंशन है क्या? नहीं। वो तुमसे अपने बच्चों से दूर रहने के लिए क्यों बोल रहा था? व्हाट डज ही वांट? ऐसा क्या तुम दोनों के बीच में? इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, लंबी कहानी। तो चलो घर पे वहां बात कर लेते हैं। नहीं मां, इट्स ओके। मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ इशिता के साथ उसकी लाइफ डिस्कस करने आए। तुम्हारा डिनर है, प्लीज हेल्प हर आउट। और मैं घर जा रही हूँ। लेकिन तुम्हें यहाँ ऐसे? ट्रस्ट मी, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। ओके, मैं जाता हूँ, लेकिन एक शर्त, तुम ये सब मुझे बताओगे एंड पूरा सच, प्रॉमिस मी। मैं घर पे मिलती हूँ तुमसे। ये सब क्या हो रहा है? अल्लाज और शगुन का क्या कनेक्शन है? वाह, क्या क्या बात कर रहे हैं आप? मैं फिर से दादा बनूंगा। अय्यर साहब, सुना आपने, कितनी अच्छी खबर सुनी है हमने। बहुत बुरा है हमारे को। चलो जी चलो, मुंह मीठा करते हैं सारे। ये लो, आपको ये खबर पहले से पता थी, आपने मुझसे छुपाया। डॉक्टर से परमिशन लेना था ना, अब फिर सरप्राइज भी देना था। सरप्राइज देना था? मुझे समझ में आ रहा है कि मम्मी जी आपको इतनी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा केयर क्यों कर रही थी। वो एक्स्ट्रा केयर आपके लिए नहीं, बेबी के लिए थी। मम्मी जी, ओ नहीं पागल, एहो जी कोई गल नहीं है, मैं अपने बहुओं को भी नहीं प्यार करती हूँ, समझ आइए। बहुत बहुत थैंक यू, तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। वो सब बाद में पापा जी, सबसे पहले अब तो मेरा है ना भाई, बुआ हूँ मैं। नीलू, बच्चों को खाना दिया? हाँ भाभी, आदि ने रूम में खाना मंगाया था तो मैं रूम में देकर आ गई। तो बस देकर आ गई? एक बार देख तो लेती कि उसने खाना खाया है कि नहीं। मैं देखकर आती हूँ। आदि खा लेगा, तुम आ सबके साथ खाना। रमन, मैं एक बार आती हूँ। चिता बच्चे खा लेंगे, तुम आओ। नीलू तू जा देख। वैसे डॉक्टर मनोज ने आज बहुत तारीफ ही खाने की, पर दिल से नहीं की। डॉक्टर साहब को ज्यादा मिर्ची खिला दी क्या? और सुनो, उसे तुम भी तीखा खाना कम कर दो, जो डॉक्टर ने डाइट दिया उसे फॉलो करो। नहीं नहीं, मैं तो मिर्ची कम ही खाती हूँ। आई थिंक वो सारिका से ज्यादा डल गई होगी, उसे आइडिया नहीं है ना अभी ज्यादा। बैठो बैठो, तक कहीं जाएगा, बैठो। क्या चल रहा दिमाग में? कुछ नहीं। देख, आदि लेट आया तब से तू परेशान, पूरी डिनर में बेचैन थी, फिर आदि पे चेक रख रही थी, हुआ क्या है? कुछ नहीं है। ये जितनी बुरी थी डेंटिस्ट है ना, उससे ज्यादा बुरा झूठ बोलती है। हुआ क्या है बता? आज मैं आदि के स्कूल गई थी, जैसे मैंने उसकी क्लास में एंटर किया, मैंने देखा कि वो अपने क्लासमेट को मारने वाला था। वो तो मैं टाइम पे पहुंच गई तो मैंने उसे रोक लिया। तो ये पहले क्यों? ये सब कुछ शगुन का किया धरा है। मुझे लगता नहीं कि इस पर शगुन ने कुछ किया। रमन रमन, मुझे लग रहा है कोई और ही बात है जो उसे परेशान कर रही है बहुत ज्यादा। वैसे भी उसकी एज ऐसी है, यू नो, वो ना तो बच्चा है ना ही एडल्ट है, एंड इस एडोलसेंस में ना मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। कोई भी बात हमारी उसे चुप सकती है, कुछ भी नहीं कर सकते एक तो हमसे कुछ नहीं। उसको कैसे संभाले मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। बट मुझे लगता है कि हम उसे थोड़ा टाइम देते हैं, वो खुद ही शायद बताएगा हमें। आई थिंक यू आर राइट। सुन, यू हैव टू प्रॉमिस मी कि आदि के पीछे दौड़ के तुम अपने आप को परेशान नहीं करोगी। इफ आई हैव टू बी पेशेंट, सो डू यू। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, तुम नहीं समझोगे। Just let me. तो समझा दो ना मुझे, इतना तो बता ही सकते हो, दोस्त माना है ना अपना। तुमने तो मुझे ये भी नहीं बताया कि तुम्हारा रमन और इशिता से क्या रिश्ता है। मैं रमन की एक्स वाइफ हूँ।
रूही और आदि मेरे बच्चे हैं। मैंने रमन को अशोक के लिए छोड़ दिया। और पता है, जब रूही 6 महीने की थी, मैं उसे छोड़कर आ गई। और आदि, मेरे दिल का टुकड़ा, वो, he was unstable, you know, मेरी वजह से, क्योंकि क्योंकि मैं अनस्टेबल थी। I was a terrible mother. मैंने हमेशा गलती की। मैंने इशिता तक को बुरा बना दिया। उसकी शादी तक तोड़ने वाली थी। बहुत बुरी हूँ मैं ना, एक सेल्फिश औरत। मैं अपने अलावा और किसी के बारे में नहीं सोचती। इसलिए प्लीज तुम भी मेरे लाइफ से दूरी रहो, क्योंकि मुझे दर्द देने के अलावा और कुछ नहीं होता। प्लीज जाओ यहां से, मैं ही चले जाती हूँ। बहुत बुरी। वेट, तुम कहीं नहीं जा रही हो, ओके? मैं नहीं जानता कि तुमने जो किया वो क्यों किया। I just don't care. यहाँ हर किसी का पास्ट है, कोई ना कोई कहानी है। और तुम जो पहले थी वो अब नहीं हो, बिलीव मी। तुम कुछ और हो। तुम रोही बनना चाहते थे ना? I can assure you कि तुम रोही हो। थैंक्स मुझ पे भरोसा करने के लिए। नीलू। हाँ मम्मी जी। मेवा चंगी तरह पाए सी? हाँ जी। हाँ, कंजूसी ना करना। और हाँ, काजू भिगो दी तूने? हाँ भिगो दी मम्मी जी। ओ तोशी जी, ये चांदी की थाली में निकाल दी है आरती के लिए। हाँ। बाकी जो तैयारी रहेगी तो सिमी और रिंकी को बोल के करवा लो। अच्छा गल सुनो, तुसी बाजार जा रहे हो? हाँ जी। मेरे को एक लिस्ट है बल्ला जी। हाँ मिहिर, राखी मिली? हाँ तो मिलेगी ना तुम्हें चॉकलेट। तुम जल्दी आओ तो सही वापस, मेरे लिए अच्छा सा गिफ्ट लाना, समझ गए ना? हाँ रिंकी आती होगी बस। ओके यू टेक केयर, बाय। मिहिर कैसे? बिल्कुल ठीक है, उसको राखी मिल गई है। अरे कहाँ है भाई लोग, प्लीज जल्दी राखी बनवा दो। उसमें से कुछ भी नहीं कहा, मुझसे मरी जा रही है। ये क्या भूकंप पीड़ित बेटी पैदा की बच्चा। मुझे आज की तुम क्यों लड़ रहे हो? आज की तुम मत लड़ो। बस तुम दोनों शुरू ना हो जाना प्लीज। चलो शुरू करो, आ जाओ। चलो रोमी, मैं हमेशा तुझे ना ये आशीर्वाद देती थी कि आज जाके कहीं ना सियाना लग रहा है। सिमी दी, आप मुझे तो राखी बांध रहे हो, पता ना आपको बुआ वाली राखी रोहित को ही बांधनी है। वो तो मैं बांधूंगी, पर ना उसको मैं ये आशीर्वाद दूंगी कि वो अपने बाप पे बिल्कुल नहीं जाए। शुक्र है आपके लिए। चपेट लगानी है मैंने। देख रिंकी, आज तो राखी पहले मैं बांध रही हूँ, उससे बड़ा गिफ्ट तो मुझे मिलने वाला है। ठीक है, आपके पास आने वाला है। क्यों भाई? देख, ये क्या है भाई? तेरे नए घर की ग्राउंड पे मैं, तेरे नए फ्लैट लिया इसी बिल्डिंग में। पर भाई इसकी क्या जरूरत थी? तू ही कह रही थी ना तुझे नई शुरुआत करनी, इंडिपेंडेंट बनना। अब रमन पुत्र, तू पहले ही बहुत कुछ कर चुका है सबके लिए, और इसकी जिम्मेदारी मेरी है। पुत्र मैंने तुम लोगों को पहले नहीं बोला, इसके लिए मैंने सोच रखा है। अब मेरी जो भी सेविंग्स हैं, जमीन जायदाद है पंजाब के यहाँ की, तुम सब बहन भाइयों में बराबर बांटने वाला हूँ मैं, तो टेंशन ना ले। पापा वो आपके पैसे, वो क्यों बांटोगे आप? नहीं नहीं रमन पुत्र, तेरे पापा जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हमारे जीते जी तुम सारों को अपना अपना हिस्सा मिल जाए, वही ठीक है पुत्र। होर की, चल हुन तू फटाफट राखी कर दे, ते फिर चल के खाना खाई दे, ते तेरा पेट गिर जाना है। बहुत भूख लगी है। चल चल, छेती छेती। ओ इशिता, रूही मैडम किथे? आज उन्हें राखी नहीं बांधनी, इतना टाइम लगा रही तैयार होने में। आज वो तैयार ही हो रही है, जब से मैं बुला कर लाती हूँ।
चलो माँ इसके लिए खाना ठूसो। चलो चलो और सारे खाना खाओ। ओरे मेरा बच्चा। ओले 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 ओले। चाचा। मलिंदर रूम में गिफ्ट बना। चलो ले लो। जी रोमी। राखी के दिन अब तुम मुझे गिफ्ट दोगे? अरे राखी के दिन का क्या मतलब है? वो बात नहीं है। तुम्हारे कुछ गिफ्ट रखा देख तो लो। बाद में जाओ ना अभी यार।